हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। मैं हूं आपका हरिंदर और ये हमारे किशोरदा। मैं रामनगर से हूं, किशोरदा है हमारे हल्द्वानी से। हम आए हैं, हम वैसे ड्यूटी करते हैं गढ़वाल में, हम जा रहे हैं ड्यूटी को। और अभी हम एक बहुत ही रोमांचक और बहुत खूबसूरत प्यारे रास्ते में आपको दिखा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये रास्ता है रामनगर से पौड़ी के लिए, जो पहाड़ का रास्ता पड़ता है धुमाकोट, थलीसैन होते बैजरो होते हुए। ये बहुत खूबसूरत रास्ता है, दिखाने का मन हो गया था, मैंने कहा चलो दिखा लिया जाए अपने दोस्तों को। अभी यहाँ पे टेम्परेचर इतना है, आप आके देखो, अचानक से गाड़ियां आ रही हैं, सिंगल रोड है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे टेम्परेचर मेरे ख्याल से 18-19 डिग्री का होगा, जितना हम एसी में मिलता है। यहाँ पे बांज के, बुरांस के, देवदार, इस टाइप के पेड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। देवता भी हैं पश्चिम दिशा में, लेकिन अपनी गर्मी का एहसास नहीं करा पा रहे हैं यहाँ पे। रामनगर से पौड़ी आने के लिए दो रास्ते पड़ते हैं, एक नजीबाबाद से है जिसमें कि टाइम कम लगता है, दूसरा यहाँ से है थलीसैन होते हुए पहाड़, मरचूला, पहले मरचूला, बैजरो, थलीसैन प्लस पाबो प्लस बुआखाल। और ये इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं एक दिन खुशकिस्मती से मोनाल पक्षी भी देखने को मिला था, जो कि हमारे उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। और ऐसी सुंदर सुंदर नज़ारे आपको दिखेंगे। अभी मैं पॉज करता हूँ, आगे कहीं लोकेशन पे फिर से मैं वीडियो शूट करूँगा। फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं भरसार में। ये हमारे रामनगर से पौड़ी गढ़वाल के रास्ते में है पहाड़ वाले। एक मिनट स्लो करो। अरे रे रे रे, ये है काकड़, कूद गया, काकड़ ही था ना, इधर गया। एक मिनट रुको, देखता हूँ अगर दिखेगा, वैसे दिखेगा नहीं मुझे जहां तक उम्मीद है। इधर ही कूदा था, मुझे शोर नहीं करना है, चलो कोई नहीं मिलेगा वो, आ रहा था पर वो एक अपनी झलक दिखा के भाग गया। तो एक काकड़ एक जंगली बकरी होती है, बस ऐसी पहाड़ों में रहती है। इसको हम अपनी उत्तराखंडी कुमाऊनी गढ़वाली लैंग्वेज में काकड़ बोलते हैं, हिंदी में जो बोलते होंगे मुझे पता नहीं। ये भरसार हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे भरसार यूनिवर्सिटी है, जो कि पहले कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का एक पार्ट था। अब इसको यूजीसी से अपनी मान्यता मिल गई है, तो ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है और हॉर्टिकल्चर के फील्ड में एशिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहाँ पे एशिया के कई देशों से लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स अपनी क्वालिफिकेशन करने आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं। और व्यू यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, बांज के, बुरास के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ों का यहाँ काफ़ी कम है प्रभाव।
लेकिन ना जहाँ पे चीड़ के पेड़ ज्यादा होते हैं वहाँ पे जंगलों में आग भी ज्यादा लगती है नहीं दादा? जो बांज के पेड़ होते हैं वो पानी छोड़ते हैं अपनी जड़ों से, तो उनके आसपास जंगलों में नमी रहती है, तो इस वजह से जंगलों में अगर आग लग भी गई तो वो फैलती नहीं है। और जहाँ पे चीड़ होंगे अगर वहाँ पे गलती से कुछ गिर गया चिंगारी तो वो रुकती नहीं है कई हफ्तों महीनों तक आग, जब तक बारिश नहीं होगी। तो दादा सुबह से गाड़ी चला रहे हो आप, थकान वकान हो रही नहीं हो रही? थकान तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन ये इतना अच्छा है कि गाड़ी चलाते चलाते पता नहीं चल रहा है। ये देखिए हम पहुंच गए हैं बरसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास। थोड़ा जोर से तो बोल लो, बस एक सेकंड ब्रेक ले लो। ये है बरसार यूनिवर्सिटी, वीर चंद सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्योगिक उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल। अब ये बाहर से दिखने में गेट इतना छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा सा बाहर जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे यात्री प्रतीक्षालय है और यहाँ पे नेचर के नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं। वाह यार इनके फूल देखो, ये जहाँ से हम आए थे ये रामनगर को है और ये पौड़ी गढ़वाल को है। यहाँ से हम देहरादून को जा सकते हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ हम यहाँ से जा सकते हैं। ये भरसार यूनिवर्सिटी, ये जो आपको सामने सब कैंपस और पॉली हाउस वगैरह दिख रहे हैं सब भरसार यूनिवर्सिटी के हैं। इनका गार्ड रूम, यहाँ गार्ड साहब बैठे हैं। वो पीछे जो एरिया दिख रहा है वो भी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। या आपको जहाँ जहाँ गांव या मकान से दिख रहे हैं सब यूनिवर्सिटी है, ये बाहर से बहुत छोटी दिखती है। दोस्तों हम निकल गए हैं भरसार से, अब अंधेरा होने वाला है। विचार तो ये था कि पौड़ी का भी दृश्य दिखाऊं आपको, सीनरी दिखाऊं। जो शाम का जो समय होता है पौड़ी बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अभी अंधेरा हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी मैं अंधेरे में थोड़ा बहुत दिखाऊंगा आप लोगों को जितना हो पाएगा। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं नोठा नाम की जगह और व्यू देखो यहाँ से, हम हैं हिमालय की तलहटी में। देखो नीचे एक गांव है, पता नहीं कौन सा है, जो भी है बहुत छोटा गांव है। और हमारे किशोरदा को हो गई है खासी ठंड से, क्योंकि अपने आप में एक शहर है, मेरे ख्याल से नोठा शहर नोठा गांव यही है। अगर आप कभी घूमने आए तो जैकेट जरूर लाएं, क्योंकि आगे और ज़्यादा ठंड होगी। रास्ते में हैं, इसके आगे पाबू पहुंचे, इसके आगे हम पाबू आएंगे। कुमाऊनी में गाना था, गढ़वाली था मेरे ख्याल से, बचपन में सुनते थे, जहे भलमती भानुमती, मतलब पाबू बजारा टेकणी लुलवे कुर्त सुलारा। सुना आपने भी?
आपने मतलब कुछ सुना नहीं है ज्यादा। चलो आप चलते रहो, यहाँ से कुछ देख भी नहीं रहा है ज्यादा ना। गाड़ी के अंदर थोड़ा गर्म लग रहा है, लेकिन वैसे बाहर हाथ लगाने में हवा ठंडी है। सूर्य देवता लगभग गायब हो चुके हैं, कल मिलूंगा बोल रहे हैं। यह है व्यू, बहुत सुंदर नजारा। नोट कर लेता हूँ, बस मैं ईयरफोन नहीं लाया, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी इसमें। ये चचा बैठे हैं, चचा सीढ़ी नुमा खेती होते है पहाड़ में, प्लेन के तो पॉसिबल है ही नहीं। कैसे ये पहाड़ी ट्रैक्टर हैं, खच्चर ट्रैक्टर से ज्यादा काम करते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं, ये जगह का नाम मेरे ख्याल से चपलोड़ी है, और पाबो अभी काफ़ी दूर हैं और अंधेरा होने वाला है, तो आगे का व्लॉग हो भी नहीं पाएगा पूरा पौड़ी तक, जैसा मैंने सोचा था कि पूरा ही दिखाया जाए। और ये इन्होंने फराल रख रखा है, काफ़ी अच्छी जगह है ये भी। हैंडपम्प भी चलते हैं, हैंडपम्प होते हैं पहाड़ों में, काफ़ी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, खच्चर भी होते हैं, सब दिख रहे हैं हमें। काफी अच्छा गांव लग रहा है ये भी, तो आगे का व्लॉग अंधेरा हो जाएगा, शूट नहीं कर पाऊंगा कोई आगे। पाबो तो मैंने दिखाया था आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया है उस वीडियो को, उस चीज के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आंटी थोड़ा साइड हट जाइए। चलो दोस्तों आप इस वीडियो को यहीं पे टाटा बाय बाय करते हैं, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो लेके। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे तो हम आगे और ज़्यादा एनर्जी के साथ वीडियो बनाएंगे। आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं हमारे किशोरदा, और ये एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक ट्रेनर हैं, एक टीचर हैं, इन्हें भी आज वीडियो में जुड़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप इस वीडियो को प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पौड़ी आना चाहते हैं तो कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको बताऊंगा पौड़ी में क्या क्या आपको कहाँ रुकने की व्यवस्था मिलेगी। अगर हमसे कुछ हेल्प हो पाएगी तो वो भी करेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, हम अपने सफ़र पर जा रही हैं, हमें 2 घंटे और लगेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।